मुझे मिठाई बहुत पसंद है। मैं हमेशा मिठाई से मतलब खाने से अपने आप को भरने की कोशिश करता रहा, तो मुझे फिर बाद में ये पता चला कि जो खाना जो है यानी मिठाई जो है वो पेट भरने का काम करती है, मन भरने का काम भाव से होता है। तो कैसे वो संबंधों में आए और संबंधों में जो मूल्य है भाव वो सभी में मैं देख पाऊँ, इसके बारे में मैं और अच्छे से सीखने का और समझने का प्रयास करूँगा। और बहुत बहुत धन्यवाद वंदन भैया, सुनील जी आगेवाल भाई साहब और बाकी सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम सुरभि आंचलिया है। मैंने टेस्ट ज्वाइन किया था कुछ समय पहले, तो वहाँ जनरली एक वर्ड अभिलाष सर ने यूज़ किया था, परमानेंट हैप्पीनेस। तो मुझे वहाँ पे थोड़ा कम समझ में आया कि लाइक परमानेंट हैप्पीनेस होता क्या है। फिर अभी मौका मिला यहाँ 3 दिन का शिविर अटेंड करने का, फिर मुझे परमानेंट हैप्पीनेस का मतलब भी समझ में आया, उसका रास्ता भी समझ में आया कि मुझे परमानेंट हैप्पीनेस निरंतर सुख पाना कैसे है। जैसे कि समझ, विचार, संबंध को सबको साथ में लेके चलना, संबंधों को समझना, अल्टीमेटली सब एक ही चीज़ के आसपास घूम रहा है, अपने भावों और विचारों को सही करना। तो मेरे को लगता है कि मेरे को अपनी समझ पे काम करना पड़ेगा, अपनी समझ पे काम करूँगी तो अल्टीमेटली मुझे निरंतर सुख जो परमानेंट हैप्पीनेस वो मिल जाएगा। तो इस शिविर से मेरी अपेक्षा यही थी कि मैं जो भी चीज़ें समझ पाया हूँ अभी या सुन पाया हूँ उसको और गहराई से समझ पाऊँ और उसको इम्प्लीमेंट करना सीख पाऊँ, तो उसमें ये शिविर काफ़ी सफल रहा। और सबसे बड़ी क्यूरियोसिटी जो मेरे को शिविर को लेकर थी कि एक 23 साल का प्रबोधक आ रहा है, तो मतलब उनसे मेरी एज 1 साल ही छोटी है, और जब इनको सुना 3 दिन तक लगातार वंदन भैया को, काफ़ी ज़्यादा प्रेरणा मिली इनसे, क्योंकि सभी प्रबोधक आते हैं तो हम लगता है कि वो तो बड़े उम्र के हैं तो काफ़ी समय है, लेकिन जब 23 साल के प्रबोधक को देखते हैं तब लगता है कि समय तो बहुत कम है, सीखना तो हमें बहुत ज़्यादा है। थैंक यू सो मच। मेरा नाम दिव्यांशी है, मैं भी भिलवाड़ा से ही हूँ। प्रॉब्लम्स तो हर जगह दिखती है कि ये प्रॉब्लम है, घर में ये लड़ाई हो जाती है, ये बात नहीं रख पाती हूँ मैं अपनी, या सिस्टम की गड़बड़ी है, तो प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी दिखती है, पर कहीं ना कहीं हम उसको टेम्प्रेरी सोल्यूशन से जैसे भी है सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। जैसे घर में कभी किसी से झगड़ा हो गया सिस्टर से, तो बर्थडे आ रहा है तो कुछ लेके आ जाते हैं, तो कुछ ठीक है लड़ाई दब जाएगी और कुछ अच्छा हो जाएगा। तो अपेक्षा तो ऐसी होती है कि हमेशा अच्छा रह जाएगा उससे, पर जब तक अगला बर्थडे आता है तब तक 3-4 बार वापस वैसी सिचुएशंस बनी जाती है कि फिर से झगड़ा हो जाता है। जब भी किसी ऐसी बात पर झगड़ा होता है इसमें हमको लगता है यार सामने वाला नहीं समझ रहा है, या मैं इतनी बार कोशिश करती हूँ अपने बात को रखने की लेकिन ये समझना ही नहीं चाहते मुझे, तो वहाँ पर एक कटाव होता ही है, हम चाहते हैं नहीं चाहते हैं ऐसा होता ही है कि यार नहीं समझ रहे, तो फिर हम धीरे धीरे बोलना बंद कर देते हैं, रिश्ते बिगड़ते ही हैं। तो पहले तो बिलीव ही नहीं था कि ऐसा परमानेंट जैसा भी कुछ हो सकता है, जैसा सुरभि भी बोल रही थी कि सर ने यूज़ करा परमानेंट हैप्पीनेस, तो ऐसा कुछ हो भी सकता है क्या, ऐसा एकदम से विश्वास बनता ही नहीं क्योंकि हम इतनी मतलब हो सकता है हम ही ने कंडीशंस को इतना बुरा कर लिया है। पर समझते हैं धीरे धीरे, तो जैसा सभी ने बोला खुद पर काम करने की ज़रूरत, जो पहले बाहर तो बहुत सारी गलतियाँ दिखती ही थी, खुद पर कभी ध्यान नहीं कि मैं तो ठीक ही हूँ, मैं तो बहुत कुछ कर सकती हूँ अगर साथ में सब है तो, मतलब मैं तो परफेक्ट ही हूँ, बाकी सब जो है वो थोड़ा सा ठीक हो जाए मेरा साथ दें तो हम भी कुछ अच्छा कर सकते हैं। अभी जो है मतलब कभी सिचुएशन आती भी है ब्लेम करने वाली तो वापस से खुद पे जल्दी ध्यान चला जाता है कि नहीं मैं यहाँ पे गलत कर रही हूँ, मेरे में भी अभी गैप है, मैं अभी भी पूरी नहीं हूँ, और ध्यान बने रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी वातावरण के प्रभाव से जिसको हम बोल सकते हैं कि पर यहाँ से जाने के बाद में हम इस चीज़ से कितना जुड़ा रह पाते हैं, जब अकेले में होते हैं तब इस चीज़ के बारे में कितना सोच पाते हैं, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ लगती है, तो उसी पे अभी मैं काम करने की कोशिश करूँगी। हम मेरे जैसे जैसे यंग लोग जो हैं वो डिग्री के लिए, पोस्ट के लिए, और जो मतलब एक पैकेज के लिए जो इतना भाग रहे हैं, जो मेरे फ्रेंड्स लोग ही हैं जो अभी CA बन चुके हैं, जो अभी जिनकी मेट्रो सिटीज़ में और जो बड़े शहरों में अभी नौकरी कर रहे हैं, वो कहने में तो CA बन गए, लेकिन हर वीकेंड में उनको पार्टीज़ करने के लिए उनको कंपलसरी जाना होता है, अपना स्ट्रेस रिलीव करने के लिए जाना होता है, तो वो चीज़ समझ में आए कि वो फिर भी खुश तो नहीं है कि अभी नहीं हम मैं में नहीं, हम तो अभी शरीर में ही जी रहे हैं, हम मैं पे तो कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं, हम चैतन्य संसार पे तो काम ही नहीं कर रहे हैं, हम जड़ संसार से जुड़े हुए हैं। इनको छोटी छोटी बातों पर जोड़ने की इनको कोशिश करता हूँ, तो वो मिलता है कि अपन गुस्सा थोड़ा कम कर पा रहे हैं, अपन चिड़चिड़े कम हो रहे हैं, या फिर अपन सही ढंग से सामने वाले को सुन पा रहे हैं, तो ये चेंजेस मैं मेरे अंदर में देख पा रहा हूँ मतलब, तो इससे ये चीज़
और क्लियरिटी समझ में आती है कि ये जो चीज़ है इसको फॉलो करके, इसको समझ के और इसको समझने के बाद में अपने व्यवहार में लाके इन सब चीज़ों से मतलब आगे बढ़ा जा सकता है। नमस्ते सभी को, मेरा नाम अदिति पारिक है। कोविड में बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी कि पहले मैं घर से बाहर रहती थी तो बाहर घूमना फिरना उस चीज़ों में कहीं ना कहीं वो अधूरापन जो था अंदर से वो पकड़ में नहीं आ रहा था। तो जब घर पे रही और मतलब बहुत झगड़े हुए तो मुझे ऐसा लगता था कि फैमिली अलग है, मेरी फैमिली सबकी फैमिली से बहुत अलग है और ये हैंडल नहीं हो पाएगा, तो मैं तो सिर्फ कमाऊँगी और मैं अलग रहने लग जाऊँगी बाद में और मैं नहीं रह सकती। तो ये मुझे मेरी लाइफ बहुत अलग लगती थी सबकी लाइफ से कि मेरी लाइफ अलग है, मेरी प्रॉब्लम्स अलग है, इनका सॉल्यूशन मुझे कहीं मिल नहीं सकता। स्पिरिचुअलिटी में भी बहुत ढूंढने की कोशिश की, बस जिस चीज़ को मैं ढूंढ रही थी फिर वो यहाँ पे मिली। ये मेरा पहला शिविर है तो यहाँ से टेक अवे जो मेरा रहा वो सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे रिएक्ट और रिस्पॉन्ड वाली बहुत 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 अच्छा समझ में आया, उसके लिए वंदन भैया को बहुत बहुत थैंक यू। और जैसा प्रतीक ने बताया मुझे भी बहुत एक्साइटमेंट था कि 23 साल की एज में, मतलब मेरे से एक साल ही बड़े भैया, तो मुझे भी ये एक्साइट, क्योंकि जितने भी प्रबोधक देखे थे सबकी एज बहुत ज़्यादा है, 40 से 50 के बीच में ही है सबकी एज और इससे भी ज़्यादा है। तो मुझे लगता था कि यहाँ तक पहुँचते पहुँचते ही हम इतना सीख सकते हैं। सभी को, मेरा नाम मनीषा बेरवा है। वो हमेशा ऐसे रही कि सोचा और पूरा हो गया, तो उनमें जब तक उनमें मैं पहुँचती थी वो लक्ष्य पूरा हो जाता, तो ऐसा लगता था कि मैंने जो सुख सोचा था इसमें वो तो दिखा ही नहीं, वो कहाँ गया। तो वो जब मैंने टेस्ट ज्वाइन किया तो वहाँ इस बारे में सर बताते रहते हैं थोड़ा थोड़ा पढ़ाते वक्त, और सबसे अच्छा मेरा ध्यान गया कि रिएक्शन मेरे जो घर में विवाद हो जाते हैं, हर बात पे बहस हो जाती है, वो इस बात पे रही कि मैं हर बात पे रिएक्शन कर देती थी या फिर खुद अंदर ही अंदर घुटती रहती थी। मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, यहाँ पर जवाब देना ठीक नहीं है। तो वो मुझे अब समझ में आया कि वहाँ रिएक्शन नहीं करना है, वहाँ पे रेस्पॉन्ड करना, ताकि मैं खुद अंदर से तो सही रहूँ और बाहर भी मैं सही से व्यवहार कर पाऊँ। तो ये मुझे बहुत अच्छे से समझ में आया। धन्यवाद वंदन भैया और सभी को धन्यवाद। इसमें मुझे जो सबसे अच्छा समझ में आया वो न्याय का ही समझ में आया। वैसे तो सब चीज़ें समझ में आई लेकिन न्याय का काफ़ी अच्छे से समझ में आया। आज तक न्याय हम भौतिक चीज़ों में करता है, ये तेरा ये मेरा, इसका बंटवारा ऐसे हो गया, ये न्याय हो गया, पर मुझे आज पता चला कि न्याय संबंधों में भी होता है और इसे करने की मैं पूरी कोशिश करूंगी। खुद में अगर चेंज होगा तो वो बाहर दिखेगा और फिर बाकी लोगों में भी चेंज होगा, तो शुरुआत खुद से ही करनी है। थैंक यू। मुझे दूसरों को देखकर अपनी आवश्यकता की वो नहीं करना, अपनी आवश्यकता को देखना है कि मुझे क्या चाहिए। मेरा नाम निकिता प्रजापत है और अभी मैं 12वीं पास आउट किया है। यहाँ पे आने के बाद मुझे पता चला है कि जीवन मतलब कितना आसान है और हम उसको कितना कठिन बनाते जा रहे हैं। मतलब हम लक्ष्य और कार्यक्रम के चक्कर में पढ़ते 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 उस सर्कल को तोड़ ही नहीं पाते हैं और हम अपने जीवन को बहुत कठिन समझने लग जाते हैं, पर इतना कठिन नहीं है। जैसे पूरा जीवन विद्या शिविर जो है बिल्कुल समझ पर आधारित है। अगर हमें समझ होगी, भाव विचारों की समझ होगी, संबंधों की समझ होगी, तो हम एक बेहतर जीवन जी सकेंगे। नमस्ते सबको, मैं यहाँ पे मेरा फर्स्ट सेमिनार है। यहाँ पे लोगों के ऊपर डिपेंड होते हैं कि लोग कि हमारी चॉइस हमेशा लोगों के ऊपर जी होती है कि अपन जो कुछ भी चॉइस करते हैं लाइक ड्रेसेस एनी आइटम्स, हमें खुद के ऊपर ध्यान देना है कि हमारी खुशी कहाँ है। चीज़ों के प्रति और पैसों से प्रॉपर्टी से लेकर अपन संबंधों को ख़राब करते हैं। तो मैंने मध्यस्थ दर्शन के बारे में थोड़ा वीडियो के जरिए वैसे समझा था, लेकिन यहाँ आके जब मैंने 3 दिन यहाँ लोगों के साथ रह के देखा और इस कम समय में जो छोटे छोटे बच्चे हैं, 7वीं का बच्चा है, 8वीं का बच्चा है, वो भी अपनी जब उनके साथ इस तरह का संवाद के जरिए जीवन को समझने में बात करते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो एक विश्वास बना है। इन्होंने जिस तरह से 3 दिन में इतने बड़े जो विषय वस्तु थी उसको बहुत ही सरलता के साथ, और जिसको छोटे बच्चे में जो जिस तरह की जिज्ञासा जगाई इन्होंने, जिस तरह का उन्होंने समझ को बांटने का काम किया, वो वास्तव में उनके स्तर पे जाके काम होने पे ही तभी ये संभव होता है।
तो मुझे लगता है कि यह केवल यहाँ 100-125 लोग हैं, इनके ही नहीं, इसके अलावा इसकी खुशबू आगे फैलनी चाहिए, दुनिया खूबसूरत होगी। इस आशा के साथ, इस विश्वास के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं और हम मिलके इस काम को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।